किश्तवाड़ हाईवे पर भी नहीं चलेंगी गाड़ियां। पुलिस ने सभी लिंक मार्गों को भी किया सील। हाईवे खोलने का आदेश बाद में किया जाएगा जारी। गिरने की कगार पर पहुंचा सरकारी प्राइमरी स्कूल। धनोड़ी जोन का सरकारी प्राइमरी स्कूल बना जानलेवा। स्कूल में मात्र 10 बच्चे ही शिक्षा कर रहे ग्रहण। शिक्षा विभाग की हादसे का बन सकती है कारण। डोडागढ़ मार्ग पर फिर से पसरा अंधेरा। स्ट्रीट लाइटों ने कुछ ही समय के बाद तोड़ा दम। लोगों को निवाला बनाने की फिराक में है जानवर। रात को मार्ग से गुजरना जानलेवा हो रहा साबित। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हाईवे की। हाईवे की अपडेट देंगे। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर और जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर आज गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सोमवार की शाम 6 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, और 6 बजे के बाद किसी भी वाहन को कश्मीर घाटी और किश्तवाड़ डोडा जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आज भी दोनों राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 2 दिन पहले ही इंटरनेट मीडिया पर एडवाइजरी जारी कर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के 21 मई को बंद रहने की जानकारी दी गई थी। रविवार देर रात फिर से इंटरनेट मीडिया के जरिए जानकारी दी गई कि सोमवार को शाम 6 बजे के बाद राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा, और इस बार जम्मू श्रीनगर के साथ जम्मू किश्तवाड़ राजमार्ग भी बंद रहेगा। सोमवार को शाम 6 बजे के बाद उधमपुर से वाहनों के आगे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो फिलहाल जम्मू श्रीनगर को मिशारा के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं जो फिलहाल बंद है, और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोग फंसे भी हैं, जाहिर तौर पर उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने सभी लिंक मार्गों को सील कर दिया है, और चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक आवाजाही की इजाजत दी जाएगी, और कौन सी गाड़ियां हैं जिनको इजाजत दी गई है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, हम देख रहे हैं कि कल शाम से ही काजीकुंडोर जखैनी से आगे किसी भी गाड़ी को बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि रात में ट्रैफिक जम था, लेकिन सुबह सूरज की किरण के साथ पूरी तरह से पाबंदी लगाई कर दी गई श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सिविलियन ट्रैफिक को चलने के लिए। उस वक्त हम देख रहे हैं कि जो भी सिविल गाड़ियां उससे चलने की इजाजत नहीं है। तमाम लिंक रोड हाईवे के साथ जुड़ गए हैं, उन्हें सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवानों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज अहलकार भी वहां पर है, जो हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, और सिविल गाड़ी को पास बनने की इजाजत नहीं। हालांकि इस तरह के जब हम हालात देखते हैं, हाईवे पर किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। हालांकि सुबह सुबह आज हमने देखा कि स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं परेशानी की बात सामने आई कि हमें स्कूल कैसे पहुंच रहा है जब गाड़ियां नहीं चल रही है, और जो स्टाफ है जिन्हें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन तक पहुंच रहा है उन्हें भी दिक्कत रही थी। जो मुलाजमीन है जिन्हें दफ्तर तक पहुंच रहा है, एक तरफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस, दूसरी तरफ गाड़ियों का ना होना, ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। और दिक्कत उन लोगों के लिए थी जिन्हें रामबन से करोल जाना है, चंद्रकोट जाना है, रामबन सेरी जाना है, तो इस तरह के लोगों के लिए परेशानियां थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जब हालात की बात करें, इस तरह हम जब संजय यात्रा की बात करें तो उस वक्त भी इस तरह हालात होते हैं कि जब संजय यात्रा का काफिला हाईवे पर गुजरता है तो पूरी तरह से हाईवे को सील कर दिया जाता है, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होती है, एक्सक्लूडिंग जो संजय यात्रा का काफिला होता है। और उसके बाद हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रामबन एक बार आए थे तो उस भी इस तरह के जो है हाईवे पर पाबंदियां लगा गई थी। और फिर 2019 के बाद हमने देखा कि हाईवे पर जब सिक्योरिटी क्योंकि इलेक्शन की जहां हम बात करें, इलेक्शन अनंतनाग रजौरी सीट पर जो होने जा रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को उस तरफ ले जाना है, और काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि आज की डेट पे जब आप हाईवे पर ट्रेवल करेंगे तो एक तरफ नोमैड्स के जो वो डेरे हैं, जब वो निकलते हैं, जब खाना बदोश लोग शिफ्ट कर रहे हैं गर्म जगहों से सर जगहों की तरफ, तो ठंडी जगहों पर वो जा तो रहे हैं, लेकिन हाईवे का जब इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक जैम की लंबी लंबी कतारें हमने देखने को मिलती है। और ऐसे में पोलिंग अमले और सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकार को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना काफी लाजमी है,
शायद यही वजह है कि आज की डेट में ट्रैफिक के लिए जो हाईवे को बंद रखा गया है और इस वक्त जो भी ट्रैफिक चल रहा है वो या तो सिक्योरिटी फोर्सेज अहलकार है या फिर ट्रैफिक अमले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ताकि स्मूथली जो है इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके। हालांकि आज की डेट में कुछ लोगों का ये कहना था कि रेस्टोरेशन चलेगा, रेस्टोरेशन मेंटेनेंस का ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर बात है तो सिक्योरिटी फोर्सेज को और पोलिंग जो अमला है उसे शिफ्ट करना है ताकि स्मूथली इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जब ये गाड़ियां तमाम रवाना की जाएंगी अपनी अपनी मंजिलों की तरफ, हाईवे पर से इन्हें जो है क्रॉस करवाया जाएगा, उसके बाद पॉसिबिलिटीज है कि बाकी गाड़ियों को भी चलने की इजाजत मिली। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज और अमले की जो गाड़ियां है वो हाईवे पर स्मूथली चल रही है। बताइएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा तस्वीरों में जो फंसे भी हुए हैं, जिसमें कई खवातीन हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं जिनको परेशानियां हो रही हैं। तो अब जबकि अभी फाइनल नहीं है कि कब तक हाईवे खोला जाएगा, तो उनको किस तरह की परेशानियां फिलहाल झेलनी पड़ रही हैं? देखिए प्रियंका, ये चीज तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो हाईवे पर लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उन लोगों को परेशानी है क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। लेकिन इस चीज को भी हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले ही ये चीज तय कर दी गई थी और ये एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कल शाम यानी सोमवार की शाम 4 और 5 बजे के बाद किसी भी फ्रेश ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को भी हमने अपने जहन में रखना चाहिए कि जब अगर सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी जाती है तो इसको हम सीरियसली लें। अगर हम उसे सीरियसली नहीं लेते तो जाहिर सी बात है दिक्कतें परेशानी, हालांकि मेडिकल इमरजेंसी अगर है उसको देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर निकले हैं और एडवाइजरी अगर उन्हें मालूम भी है तो ऐसे में हाईवे पर जब आप ट्रैवल करेंगे तो दिक्कतें परेशानियां तो रहेंगी क्योंकि आज की ही बात नहीं है, नॉर्मल डेज में भी अगर आप हाईवे पर विदाउट जो है उसके कॉन्टेक्ट किए, जो भी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है उसके रब्ता किए बिना अगर हाईवे पर ट्रैवल करेंगे तो फिर कब कहाँ क्या हो जाए वो हाईवे के बारे में सब चीजें अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये सब चीजें हाईवे पर ट्रैवल करने से होती है। बहरहाल आज की डेट में जो परेशानियां है वो हाईवे पर ट्रैफिक न चलने की वजह से है और जो लोकल गाड़ियां हैं उन्हें भी चलने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हाईवे पर ट्रैवल करेंगे। लेकिन फिलहाल दिक्कतें काफी ज्यादा लोगों के सामने हैं, खासकर उन लोगों के सामने। नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे जो जानकारी दे रहे थे, अभी जिस तरह से हाईवे बंद है लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं और अभी तक कुछ भी ऐसा फाइनल नहीं हुआ है कि कब तक हाईवे खोला जाएगा। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करेंगे उधमपुर की। उधमपुर के धनोड़ी जोन में कई मासूमों की जानें सूली पर लटकी हैं। धनोड़ी जोन का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कभी भी जमींदोज हो सकता है और प्रशासन लंबी ताने सोया है। आलम यह है कि स्कूल में सिर्फ 10 बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एकमात्र कमरा गिरने की कागार पर पहुंच चुका है। शिक्षा विभाग की लापरवाही इन बच्चों और इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की जानों पर भारी पड़ रही है जो पिछले 23 सालों से इसी स्कूल में तैनात है। तो जिस तरह से बात कर रहे हैं हम उधमपुर की और उधमपुर की शिक्षा व्यवस्था की, आपको बता दें कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि गिरने की कगार पर है बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्कूल में सिर्फ 10 ही बच्चे हैं जो यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा विभाग ही हादसे का कारण बन सकते हैं क्योंकि कितनी लापरवाही बरती जा रही है तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर बताइएगा कितने साल हो चुके हैं जो स्कूल की इस तरह की हालत है और क्या वजह है जो अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कभी जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धनोड़ी हुआ करता था, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की हालत इस स्कूल की जो है वो बनी हुई है। जब हम स्कूल के अंदर पहुंचे, जब वहां के जो लोकल लोग हैं, जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से काफी अहम बातें कही। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ साल पहले स्कूल को जो है वो ताले जड़े हुए थे, लेकिन जो आसपास के जो लोग थे वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहते थे,
लेकिन हालत इस तरह की बनी हुई है, जो एक कमरा बचा हुआ है वो भी किसी वक्त गिर सकता है। 10 के करीब स्कूल के अंदर बच्चे हैं, तो एक तरफ शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन ये कहता है कि सरकारी जो ढांचे हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनको पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है, लेकिन ये मजबूती है। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी का ये इलाका है, यहाँ पे ये स्कूल है, लेकिन कोई भी अभी तक स्कूल की सुध लेने तक स्कूल के अंदर नहीं पहुंचा। लेकिन जो कमरा बचा हुआ है, एक जो शिक्षक है वो 23 साल से इसी स्कूल के अंदर है, तो उसकी माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बार जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाई। लेकिन बड़ी बात हम आपको ये भी बताते चलें कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात की जाती है, लेकिन इस स्कूल के अंदर अभी तक कोई भी शौचालय नहीं है। जो यहाँ की बेटियां हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज भी वो बच्चे जो है वो शौचालय करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जो कमरा वहां पे बचा है वो ऐसा लगता है कि कहीं जंगल के अंदर ये स्कूल है, कहीं आपको स्कूल का नाम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक तरफ ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासें दी जाएंगी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के साथ साथ जो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी जो प्रियंका कोई बड़े कदम नहीं लिए गए हैं। लेकिन लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कोई दैड़ी मजदूरी का कार्य करता है तो उसका यही सपना होता है कि जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए, लेकिन इस तरह का स्कूल के अंदर जो है वो प्रियंका देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किशोर ज्वाइन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उधमपुर में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, और सरकारी स्कूल का ये हाल है, जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी उनके लिए यही स्कूल जानलेवा साबित हो रहा है, और इसकी तरफ बहुत देर से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बात करेंगे हम डोडा की। डोडा गट मार्ग पर जंगली जानवरों के आतंक के बावजूद भी प्रशासन गहरी नींद से जाग नहीं पाया है। इस मार्ग पर रात के पसरे रहने वाले अंधेरे को लेकर गुलिस्तान न्यूज द्वारा चलाई गई मुहिम तब रंग लाई थी जब इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई थी। हालांकि इन स्ट्रीट लाइटों ने कुछ ही समय के बाद दम तोड़ दिया, जिसमें इस मार्ग पर फिर से अंधेरा पसरा रहता है। रात के समय इस मार्ग से गुजरना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि तेंदुए भालू या फिर अन्य जंगली जानवर उन्हें कभी भी अपना निवाला बना सकते हैं। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं, महज अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये वो इलाका है जहाँ पर कई जंगली जानवर होते हैं और जिसकी वजह से लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी खबर गुलिस्तान न्यूज़ ने चलाई थी और स्ट्रीट लाइटें लगवाई भी थी, पर उसके बाद इन स्ट्रीट लाइटों ने कुछ ही समय के बाद दम तोड़ दिया है, जिससे कि लोगों का कहना है कि अगर हम यहां से गुजरेंगे कोई भी जंगली जानवर से हमारा सामना हो सकता है। तेंदुआ भालू यहां पर अक्सर घूमते रहते हैं, और साथ ही फिलहाल लोगों ने फिर से अपील की है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी उसे दोबारा से शुरू किया जाए। चलिए हमारे साथ डोडा संवाददाता वसीम ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताइएगा कि जब गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर चली कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है तो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, कितनी देर के बाद इन स्ट्रीट लाइट्स ने जवाब दे दिया? पहले गुलिस्तान न्यूज ने ही इस खबर को दिखाया था, ग्राउंड जीरो पे हम खुद गए थे, लोगों से बातचीत की थी, मकामी जो आबादी है, मगर आप ये मानिए कि 7 से 8 महीने के अंदर ही ये लाइटें जो है डिफंग हो चुकी हैं। ये कल देर रात हम रात के लगभग 12 बजे के करीब इस रास्ते पे जब हम गए तो जब हमने ये तस्वीरें देखी तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्रांड इन्होंने लगाया है, कौन सी लाइटें ये लाके कहाँ पे लगा दी है, ये आप देख सकते हैं कि लगभग 8 से 10 लाइटें वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी, मगर आप देख लीजिए कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये लाइटें डिफंग हो चुकी हैं। मकामी आबादी में हम देखने के गुस्सा बहुत ज्यादा है। आपको थोड़ा सा पीछे मगर लेके जाएं तो लगभग 4 से 5 साल पहले हमने देखा था एक बच्चे को भी वहां पे लेपर्ड ने खाया था। इस रास्ते पे अक्सर आप देख रहे हैं कि लेपर्ड देखे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ का हमला भी जमीनी सतह पे काम कर रहा है, मगर जो कंसर्न महकमा यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल ने अगर ये वहां पे लाइटें लगाई थी तो इनका हाल इस तरह का क्यों देखने को मिल रहा है। और कुछ मकामी आबादी जो है नालवा का इलाका वहां पे पड़ता है, उनका ही मानना है कि अगर इस लाइट को ठीक नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में हम
सड़कों पे भी आ सकते हैं। इससे पहले जब हमने खबर दिखाई थी कंसर्न महकमे के लोग ये बता रहे थे कि इस हालात को सुधारा जाएगा, हालात बिल्कुल सुधरे, मगर अब देख लीजिए आपके 7 से 8 महीने के बाद हालात किस तरह के बन चुके हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से लोगों की जान को भी खतरा है, जो कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बंद हो चुकी हैं, और लोगों की अपील है कि किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी की जान ना चली जाए, और उसे लेकर उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स दोबारा से शुरू हों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जगह जगह लगाए गए वाटर वेंडिंग मशीनों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन वाटर वेंडिंग मशीनों से लोगों को शुद्ध जल की बजाय निराशा ही हासिल हो रही है, और आलम यह है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में इन वाटर वेंडिंग मशीनों में एक बूंद पानी भी नहीं है। इनमें से अधिकतर मशीनें खराब हो चुकी हैं और जो चल रही हैं उनका पानी पीने के लायक नहीं है। तो बाकी रही बात इनकी, जो शुद्ध जल लिखा हुआ है एक दो जगह पे कि 1 रुपया डालो पानी मिलेगा, पानी पे हाथ लगा के देखना कोई पी जाएगा तो बात करना, सर्विस ही नहीं है, वो चीज़ें साफ ही नहीं हुई है, पता नहीं कब की लगाई हुई है, आज तक बंद पड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर सड़ चुके हैं, पब्लिक प्यासी मर रही है, किसी मंदिर के बाहर या फिर पैसे पॉकेट से खर्च के दुकान पर जाके बॉटल लेनी पड़ती है। अगर आप बोलो रास्ते में चलते हुए गवर्नमेंट के लगे फ्रिजों से पानी पीना तो वो नहीं है। यहाँ पे ये मेन स्टॉप है इस टाइम पे इंदिरा चौक, यहाँ पे पीछे आपके फ्रिज लगा है, अगर आप दिखा सको, ये 10 साल 20 साल पुराना फ्रिज होगा, आज तक रिपेयर नहीं हुआ, पानी इतना गर्म है ना इसका कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको, गंदी पड़ा है ना। इधर एक और था पीछे, वो तो उखाड़ ही दिया इन्होंने, वो निकाल ही दिया, एक ऊपर हरी मार्केट में है वो बंद रहता है, ये एक इधर नाके के पास में है, इसका भी पानी नॉर्मल है, कोई ठंडा पानी नहीं कह सकते इसको हम। फ्रिज सर मेरी नज़र में कोई सर्विसेज ही नहीं है उसकी, कोई पानी नहीं मिला हमें आज तक, मैंने तो अपनी इसमें कोई भी नए फ्रिज में से ये जो 1 रुपया डाल के शुद्ध पानी पियो, कोई मैंने फ्रिज में से ऐसा पानी पिया ही नहीं है, ना मेरे को मिला ऐसी जगह पे, ना कोई 1 रुपया डाल के पानी आया, जो आया भी है वो पीने लायक वो नहीं आया कि इस गर्मी में वो बंदा पानी पी सके। वर्क नहीं कर रहे हैं सर, उनकी सर्विस ही नहीं है, वो कोई खराब हो गया, ऐसे नॉर्मल जल भी नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ पे बहुत ही तंग है, 40-42 टेम्परेचर ऊपर जा रहा है इस वक्त, तो पानी की सुबह से लेकर शाम तक कम से कम भी 5 लीटर एक बंदे को जरूरत है पानी। जो लोग अगर इन वाटर कूलरों में अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा, वो तो बाहर से खरीदने के लिए 20 रुपए 10 रुपए 30 रुपए बोतल लेने के लिए मजबूर है, 50 रुपए भी खर्चने के लिए, जब पानी नहीं होगा तो 50 खज्जल हो रहे हैं, पानी तो है ही नहीं, ऊपर से नलके जो है बने हुए हैं, डंगे भी इन्होंने तोड़े हैं लेकिन आज तक इन्होंने डंगे दोबारा नहीं बनाए, एक शराबी आया था वो भी नीचे गिरा यहाँ से, ये अब पीछे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड में पीने के पानी की व्यवस्था ना होने से बस चालकों के साथ यात्री भी परेशान हैं। भीषण गर्मी में बस स्टैंड में पानी की व्यवस्था ना होने से लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, और लोगों के मुताबिक 6 महीने पहले बस स्टैंड के लिए आरएसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा वाटर कूलर खरीदा गया था लेकिन आज तक उसे नहीं लगाया गया। वाटर कूलर बस स्टैंड में धूल फांक रहा है, और इस मामले को लेकर जब म्यूनिसिपल कमेटी आरएसपुरा ईओ पृथ्वीराज से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस वाटर कूलर को जल्द इंस्टॉल करने का आश्वासन दिया। जनाब बस स्टैंड बनया ना, ये बड़ा शानदार अच्छा बनया अटल बिहारी वाजपेयी के नाँ से, लेकिन इतने सारी सुविधा है लेकिन पानी की सुविधा नहीं जी, पानी का कमेटी वाले ने अंदर लिया के रखे था वाटर कूलर 6 महीने हुए पेदा, उन्होंने हाली उन्हें चालू नहीं किया, तो लोगों को पानी पीना पे तो बड़े मुश्किल होंगी है, जाके 20-20 रुपये की बोतल लेनी पैंती है लोगों को पानी की, इस करके आता जल्दी तो जल्दी इंतजाम करना चाहिए इतने। और प्रॉब्लम ठीक ही है अजकल, तो वैसे भी बस स्टैंड अच्छा बनया है, और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पानी ज्यादा सब तो बड़ी प्रॉब्लम है, कोई नलका नहीं लगे रहा, नलका कोई नहीं है, नलके जो एक दो जो लगे भी है और नाले उपर लगे ने वो गंदा पानी आता उन्होंने, वो पानी मतलब बदबू वाला होंगे तो पीने से दिल नहीं करता, असं मांग करने जो वाटर कूलर अंदर रखे तो फ्रेश पानी होना चाहिए, इतने दुकान ये सारे कमेटी ने करना सर, दिखो ना अड्डा फर्स्ट क्लास सू ठीक है, सारी सुविधा मिला रही है, पैसेंजर साढ़ा अच्छा बनी है, दफ्तर साढ़ा अच्छा बनी है, लेकिन साढ़ा वो नहीं चलिया, वाटर कूलर नहीं चलिया,
ऐसा है कि मैं तो रिसेंटली ज्वाइन किया वाटर कूल का, आपने बताया मेरे को, तो मैं उसका देखता हूँ क्या है, पर ठेकेदार को मैंने बोला है, जो कंट्रैक्टर जिसने बस स्टैंड पे ठेका लेकर रखा था, तो उससे मेरी कल भी बात हुई थी, आज सुबह भी हुई थी, तो कह रहा था कि 2-4 दिन में, एक हफ्ता लेके चलो, एक हफ्ते के अंदर अंदर। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लीफॉर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी।